पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी प्रकार का हालात का सामना करने को तैयारी खड़े सेना इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जोश को योग ने दोगुना कर दिया। गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजे हालात में देश के प्रहरियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चीन की सेना को संदेश दिया कि वे उसका सामना करने के लिए वे शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी तैयार हैं। इस समय पूर्वी लद्दाख में सतर्क सेना यहां चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पक्के पांव खड़ी है, तो वहीं हवा से लगातार निगरानी कर रही वायुसेना भी अलर्ट पर है। ऐसे हालात में आज सोमवार को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ चीन के सामने डटे आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में योग किया। योग दिवस का कार्यक्रम कोरोना की रोकथाम संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया गया।